तो मैं बता दूं बेटा, बत्रा सर 1 जून से अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं नवंबर 2023 के लिए बेटा। आप 9414127751 पे मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं बेटा, जो है www.batrasar.com। मैं अभी बता भी देता हूँ बेटा कहाँ से जाएंगे। आज रात मध्य रात्रि से बेटा 25 मई तक 2023 तक हम बेटा एक सेल लगा रहे हैं 50% ऑफ की, बत्रा 50 कोड के साथ। अब साथ में कूपन कोड लगा देना बत्रा 50। तो बेटा 8,200 का हमारा ओरिजिनल कोर्स आपको 4,100 में मिल जाएगा। अगर आप पीडी जीडी लेना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स की जगह, तो पीडी आपको 4,600 में मिलेगी, जीडी गूगल ड्राइव आपको बेटा 4,100 में मिलेगी। नवंबर 2023 एग्जाम दिन तक इसकी वैलिडिटी है। एक मशीन पे इंस्टॉल होगी बेटा, कोई एक पे करवा लो। अनलिमिटेड व्यू है बेटा, व्यू का कोई लोचा नहीं है, अनलिमिटेड व्यू है। और ये केवल पहले 100 ऑर्डर तक है बेटा। केवल इसमें आपको हम कोर्स ही नहीं कराएंगे बेटा, कोर्स तो करवाएंगे ही हम आप। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, रिवीजन होगा। रिवीजन के बाद बेटा आपको पता है एमटीपी आरटीपी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये होते हैं। फिर बेटा वीवीआईपी लिस्ट आती है। इसके अलावा बेटा आपके वर्चुअल टेस्ट होते हैं। तो फिर बेटा पास तो होना निश्चित ही है ना। अब बेटा बताओ, आप एग्जामिनेशन नहीं लाओगे क्या इतना कुछ करने के बाद? अगर इतना किसी को करवा दिया जाए तो बेटा ईएसएसएम में एग्जामिनेशन तो पक्का है। और ये आप देख भी रहे हैं बेटा, जितने बच्चे हमसे पढ़ के गए हैं उन्होंने बेटा बत्रा सर के इसी चैनल पर कम्युनिटी में लिखा है कि 31% लोगों ने कहा है 470 में से कि बेटा जी पेपर वीवीआईपी से ही आया, पेपर वीवीआईपी से ही आया। कहां से आया पेपर? वीवीआईपी से आया बेटा। 470 का मैं निकाल रहा हूं 31%, तो बेटा 145 लोगों ने जो 470 में जवाब दिए हैं, 145 लोगों का कहना है पेपर वीवीआईपी से था। और मैंने बेटा प्रूव भी कर दिया। तो अगर आप बत्रा सर से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पेन ड्राइव में गूगल ड्राइव में, तो बेटा मान के चले एग्जामिनेशन तो पक्का है, क्योंकि जो हम कहते हैं बेटा वही एग्जाम में छपता है। तो बेटा बत्रा सर से 1 जून से शुरू होने वाले बैच से जुड़िए और अपना एग्जामिनेशन सिक्योर करिए फॉर द पेपर ऑफ ईएसएसएम। तो मेरे ख्याल से आज बच्चों को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा, जो बच्चे एग्जाम में गए हैं कि उनका पेपर गया है तो उनके कितने मार्क्स आने की संभावना है।